नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का युग्मपथ यूट्यूब चैनल पर। और किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कमान से निकला तीर और जुबान से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता। जिस प्रकार एक बंदूक से निकली गोली को आप वापस नहीं ले सकते, ठीक वैसे ही अपने शब्दों को आप वापस नहीं ले सकते। कुछ ऐसा ही हुआ है पूरी लोकसभा प्रत्याशी संबित पात्रा, यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और यूं कह लीजिए कि टीवी के एक चमकते सितारे। जी बिल्कुल, बड़े बड़े नेताओं की लगाने वाले वाट। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया है जो दो तीन दिन से संबित पात्रा को ट्रोल किया जा रहा है? ऐसा उन्होंने क्या कह दिया है जिससे उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है? तो आज हम जानेंगे कि भगवान भक्त के वश में है या भक्त भगवान के वश में है। संबित पात्रा ने एक जोरदार रैली की, एक रोड शो किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और उसी बीच बहुत सारे न्यूज चैनलों पर उन्होंने अपनी बाइट भी दी। एक चैनल पर जब वो बाइट दे रहे थे, उस समय यूं कह लीजिए जबान फिसल गई, या यूं कह लीजिए कि गलती हो गई, जिस गलती को उन्होंने बाद में स्वीकारा भी है, यानी कि क्षमा भी मांगी है, माफी भी मांगी है। लेकिन विपक्ष को तो बस एक छोटा सा शब्द चाहिए, एक छोटा सा बहाना चाहिए, और कुछ ऐसा ही हुआ। जब संबित पात्रा ने कह दिया कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं, हालांकि उससे पहले उन्होंने काफ़ी सारे न्यूज़ चैनलों पर ये ज़रूर कहा कि मोदी जगन्नाथ भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन यूं कह लीजिए कि जब समय गलत चलता है तो ऐसे ही जबान फिसल जाती है। आए दिन नेताओं की जबान तो फिसलती ही है, लेकिन संबित पात्रा ने ऐसा क्या गलत कह दिया जिसको लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है? तो आइए जानते हैं उन्होंने क्यों कहा कि मोदी जी के भक्त हैं भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ अपने आप में यूं कह लीजिए कि पुरी और उड़ीसा के लिए अपने आप में बड़े और पूरे देश के लिए एक आस्था का विषय है। सभी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को भी देखते हैं, बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। वहीं कुछ विद्वानों का ये मत है कि ऐसा कहना कुछ गलत नहीं है, हालांकि भगवान भक्त के वश में हैं ये कुछ हद तक गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों का मानना है कि भक्त हमेशा भगवान के ही अधीन होते हैं और भगवान भी भक्त के अधीन होते हैं। जिस प्रकार एक राजा बिना प्रजा के राजा नहीं बन सकता, ठीक उसी प्रकार एक भक्त के बिना भगवान भी नहीं बन सकता। तो आपको बता दें कि कुछ पुराणों में और यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत में भी ये कहा गया है कि भगवान भक्त के पीछे दौड़ते हैं। बिल्कुल, भगवान भक्त के पीछे दौड़ते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन क्यों ट्रोल किया जा रहा है संबित पात्रा को? तो आपको बता दें कि बीजेपी लोकसभा से उम्मीदवार है पूरी क्षेत्र से संबित पात्रा, और इसीलिए उनको इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है ताकि बीजेपी को तो इससे दबाव में आना ही पड़े, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा जा रहा है। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है अगर संबित पात्रा ने कहा कि भक्त हैं मोदी जी के भगवान जगन्नाथ। हालांकि कुछ दृष्टियों से ये गलत हो सकता है, लेकिन भगवान भक्त के वश में होता है, इसलिए हम पंक्ति दोहराते हैं कि भगत के वश में है भगवान। बिल्कुल, और ऐसा ही कुछ संबित पात्रा ने भी कहा। तो सभी हिंदू भाइयों और बहनों से मेरा आग्रह है कि इसको लेकर बिल्कुल भी चिंता न जताएं या ऐसा ना समझें कि उन्होंने कुछ गलत कहा। ऐसा कुछ भी गलत नहीं है, हर एक भक्त के वश में होते हैं भगवान। बिल्कुल, तो ऐसी तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ कुछ ऐसे मुद्दों के लिए बने रहिए युग्मपथ यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।